शहर के मकबरा क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम कांग्रेस नेता व शनि मंदिर के पुजारी के 16 वर्षीय पुत्र को दो नाबालिगों ने चाकू से गला रैंध दिया। किशोर की श्वास नली कटने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हमले के वक्त मृतक प्रिंस के साथ उसके दो दोस्त भी थे, जिन्हें भी बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। घटना में घायल प्रिंस, ओवेश और रेहान तीनों नाबालिग किशोरों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रिंस जोशी को मृत घोषित कर दिया। नाबालिग ने मृतक प्रिंस की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए थे, जिससे उसके श्वास नली कटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। किशोर की हत्या की सूचना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। एडिशनल एसपी सहित चार थानों की पुलिस को एमबीएस अस्पताल में तैनात किया गया। वारदात की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी प्रवीण जैन ने बताया है कि दो नाबालिगों का एक दिन पहले भी रेहान प्रिंस और आवेश से झगड़ा हुआ था, जिसे लोगों के बीच बचाव कर खत्म कर दिया था। लेकिन कल शाम दोनों नाबालिग लड़कों ने मौका मिलते ही मकबरा क्षेत्र की भूत गली में अपने साथियों के साथ मिलकर रेहान, आवेश और प्रिंस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें चाकू के वार सीधा प्रिंस की गर्दन पर लगे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात में घायल रेहान वार्ड 34 के वार्ड पार्षद का बेटा है। वहीं प्रिंस जो मृतक है उसके परिवार का अब रो रो कर बुरा हाल था। मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हत्या के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्रजराजपुरा थाना मकबरा इलाके में एक चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली, जिस पे विस्तृत जानकारी की गई और यह ज्ञात हुआ कि प्रिंस सन ऑफ दिनेश जोशी, उम्र लगभग 16 वर्ष, जो शनि मंदिर के पास कोतवाली इलाके का रहने वाला है, उसके साथ चाकू बजी हुई है। साथ में ओवेश सन ऑफ मुर्तजा और रेहान मिर्जा, इन दो के भी चाकू लगे हैं। इनको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पे और यह है प्रारंभिक दृष्टि में जानकारी में आया कि चाकूबाजी की घटना कल इन दोनों पक्षों के बीच मामूली कहासुनी हुई थी। दूसरे पक्ष में अयान नाम के लड़के का विशेष तौर से उल्लेख आया है। अब उसके संबंध में कि कोई कहासुनी हुई थी, उसी को लेके आज दोबारा से कहासुनी हुई है, और उसमें इसके चाकू मार दिया गया प्रिंस के और ओवेश के और रेहान के।